दोस्तों, अगर आपके पास जियो फोन 320 माइक चेंज करने के लिए आया है, अगर आपने माइक चेंज करने के बाद ऐसा जियो फोन का लोगो हैंग हो रखा है, आपका फ़ोन आगे नहीं जा रहा, उसका सलूशन मेरे पास है। आपके पास जियो फोन आया तो अगर आप माइक चेंज करने के लिए आपके पास कोई भी जियो फोन आया, मतलब माइक चेंज करने के लिए आपके पास जियो 320 आया है तो माइक चेंज कर दिया है आपने, चेंज करने के बाद यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, यहाँ पर आपका फ़ोन हैंग हो गया, आगे नहीं जा रहा, तो उसका सलूशन क्या है आज मेरे पास है। माइक चेंज करने के बाद ही ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे पुराना माइक आपने फिर से लगा दिया तो फ़ोन ऑन होता है लेकिन माइक काम नहीं करता, लेकिन माइक ख़राब है। अगर आप दूसरा माइक लगाते हो यहाँ पर ही हैंग हो जाता है, अगर आप माइक निकाल के ऑन किया तो माइक फ़ोन ऑन हो जाता है। ये देख सकते हो दोस्तों, कंप्लीट ऑन हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर दूसरा माइक यहाँ पर जम्पर किया है। इसका सलूशन क्या है, ठीक है, अगर आपका फ़ोन जियो माइक चेंज करने के बाद जियो 320 में माइक चेंज करने के बाद आपका फ़ोन लोगो हैंग हो जाता है, उसका सलूशन मेरे पास है, मैंने सॉल्व भी किया है, आज आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अपने चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, आने वाला सभी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम के साथ दिखा देता हूँ, ताकि मेरे पास अभी फ़ोन नहीं है, कस्टमर की अर्जेंट की वजह से मैंने फ़ोन को दिया है रेडी करके, जो मैंने काम किया है वो मैंने आपको डायग्राम के साथ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो मॉडल लिया है, जियो F220B है और दूसरा है अभी जो प्रॉब्लम आया है जियो 320B है, ठीक है। तो इसमें क्या होता, माइक चेंज करने के बाद कुछ फ़ोन्स में ऐसा नहीं होता, 98% तक फ़ोन जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता माइक चेंज करने के बाद। जो बाकी बचा हुआ 2% फ़ोन में क्या हो जाता, माइक जैसे हम बोर्ड से निकालते हैं तो लोगो हैंग हो जाता, और दूसरा माइक लगाते भी दो लोगो हैंग हो जाता, नया माइक लगाएंगे तो भी लोगो हैंग होता। अगर हम माइक को निकाल के फ़ोन स्टार्ट किया तो फ़ोन ऑन होता, लेकिन माइक को हम निकाल के ऑन किया तो ऑन नहीं होता, और माइक डाल के भी दूसरा माइक डाल के भी ऑन किया तो ऑन नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो जियो के जितने भी जियो 320 फ़ोन हैं तो उसमें क्या होगा, तो कभी कभी कौन सा माइक सेट हो जाता, ठीक है, तो ये 5 पिन वाला माइक है ना, उसमें 2-3 अलग अलग मॉडल चेक करो, ठीक है, तो एक ही मॉडल में काम नहीं करेगा, तो अलग अलग मॉडल पे आप चेक करो माइक जियो 320B में, तो हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ, जितने भी आप 5 पिन वाला माइक चेंज किया तो फिर भी लोगों की हैंग हो गया, ठीक है, कंप्लीट ऑन नहीं हो रहा, लोगों में स्टक हो रहा, ठीक है, तो आपने सॉफ्टवेयर भी करके देखा, हार्ड रिसेट भी करके देखा, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो माइक निकाल के भी आप चेक कर सकते हो, फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ, तो ये वाला 5 पिन वाला माइक है ना, दूसरे जियो माइक में सेट नहीं होगा, तो क्योंकि उसमें एक एक माइक सेट होगा, एक एक माइक नहीं सेट होगा, तो इसलिए आपको 3-4 अलग अलग मॉडल, ठीक है, 5 पिन में 3-4 अलग अलग ब्रांड का माइक सेट करके देखो, फ़ोन ऑन होगा, ठीक है, 100% ऑन होगा। अगर फिर भी ऑन नहीं होता, जियो 220 फ़ोन के अंदर जो माइक होता है ना 4 पिन वाला, तो वो मैंने आपको इमेज में दिखा देता हूँ, ये वाला माइक आप देख सकते हैं, तो ये वाला 4 पिन का माइक आप इस 5 पिन के माइक के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो चाइनीज़ माइक को लगाने के बाद भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि उस फ़ोन के अंदर कुछ ऐसा अपडेट आया है, तो कुछ फ़ोन्स में हो जाता, क्योंकि चाइना माइक लगाने पर भी होता हो जाता, और डिजिटल माइक लगाने के पर भी हो जाता, ठीक है, 5 पिन वाला लगाने के बाद भी होता, 2 पिन वाला माइक यूनिवर्सल माइक आता ना, उसको लगाने के बाद भी हो जाता, तो कुछ फ़ोन्स में ऐसा हो जाता, जितने भी आप माइक चेंज करो ऑन नहीं होता, लेकिन जो हैंडसेट के साथ होता है ना ओरिजिनल माइक, तो उसको आप लगाओ इसके अंदर ऑन हो जाता, ठीक है, आप जितने भी 5 पिन वाला माइक लगाते हो ऑन नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास आज एक सलूशन है, तो मैंने आपको सॉल्व भी कर दिया, फ़ोन को रेडी भी कर दिया, तो ये वाला माइक, ठीक है, जियो 320B के अंदर जो माइक होता है ना 4 पिन वाला, ये देख सकते हैं, ठीक है, थीके? तो इसमें क्या करना है, इस माइक को इसके अंदर लगाना है, कैसे लगाना है मैं आपको जंपर के थ्रू बता देता हूँ। और ये देख सकते हैं, ये 320 का माइक है और ये 220 का माइक है, ठीक है। तो 220 में क्या होता, बोर्ड में ऊपर की तरफ से नीचे की साइड यहाँ पर लगा होता, ठीक है, तो उसमें एक होल होता यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर होल होता, आप देख सकते हैं, मैंने आपको इमेज में दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो मतलब यहाँ से होल होता है ना, यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस मतलब ये नो कनेक्ट होता, किसी से भी कनेक्ट नहीं होता, जो ग्राउंड होता यहाँ पे
ये वाला ग्राउंड होता हमारा, ठीक है, मतलब ये माइनस हो गया, ठीक है, ये नो सिग्नल, ये माइनस, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, तो ये वाला माइक आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर एक होल होता तो इस साइड से, ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया इस साइड से, तो ऊपर की तरफ प्लस होता, ये देखो ऊपर की तरफ पे प्लस होता, नीचे की तरफ माइनस होता। अभी मैंने वही डायग्राम पे फ़ोन रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा हो गया प्लस, ये हो गया हमारा नो कनेक्ट, ये हो गया हमारा माइनस, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्लस पॉइंट से लेके एक जंपर उठा के इस पॉइंट तक एक जंपर लगाने, ठीक है, तो बोर्ड के अंदर लगाने। यहाँ पर मैंने बोर्ड के अंदर पांच पॉइंट होता है, यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की तरफ दो पॉइंट है, नीचे की तरफ दो पॉइंट और नीचे एक ग्राउंड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते मैंने सेम वही डायग्राम यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये हमारा प्लस हो गया जियो फोन 320 के अंदर। उसके बाद हमारा जो माइनस हो गया ये पॉइंट हो गया, मतलब नो कनेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमारा हो गया, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड, इसमें कहीं पर भी आप ग्राउंड लगा सकते हैं। और उसके बाद जो माइनस पॉइंट बचेगा, तो उस नो कनेक्ट पॉइंट बचेगा, इस नो कनेक्ट पॉइंट को लेके, तो हमारा यहाँ पर नो कनेक्ट होता उसको हमें ज्वाइंट करना है, ठीक है। और उसके बाद एक और जंपर करना पड़ेगा माइनस वाला ग्राउंड वाला, तो यहाँ पर हमें एक और जंपर लेना है, और उसके बाद हमें इसको लेके यहाँ पर भी लगा सकते, यहाँ पर भी लगा सकते, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्डरिंग कैसे करना है, ऊपर की तरफ से तो ऐसे होता, ठीक है, तो ऐसे होता, उल्टा रखने के बाद इसको माइक को हम इसके ऊपर जंपर लगाएंगे, इसको उल्टा रखने के बाद जो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो इसको उल्टा रखने के बाद ऐसा पॉइंट तो यहाँ पर होता, ठीक है, इसको उल्टा रखने के बाद जो प्लस माइनस होता वो ऊपर नीचे हो जाता। अभी प्लस इधर है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, माइनस नीचे है, ठीक है। अभी क्या हो जाता, माइनस इस तरफ आ जाता, ऊपर प्लस नीचे आ जाता, ठीक है, उल्टा रखने के बाद। इसलिए हम क्या ध्यान से करना है जंपर, तो प्लस पॉइंट को लेके यहाँ पर करना है, ठीक है, और जो माइनस पॉइंट को लेके, सॉरी नो कनेक्ट मतलब एनसी को लेके इस पॉइंट पे करना है, और जो माइनस पॉइंट को लेके ग्राउंड को यहाँ पर भी कर सकते, यहाँ पर भी कर सकते, ठीक है। तो बस इतना ही आपका काम हो जाएगा। तो जियो 220B का माइक को लेके, चार पिन वाला माइक को लेके, तीन जंपर को लेके हमें इस बोर्ड के अंदर कर देना, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम पे दिखाया, ठीक है। तो इस बोर्ड के अंदर जंपर करना है, आप उसके ऊपर टेपिंग करना है, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। एंड मैंने भी सॉल्व किया है और लोगो भी हैंग नहीं हुआ, माइक भी काम करता, लेकिन एक प्रॉब्लम आता, माइक थोड़ा सा आवाज़ कम आ जाता, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% आपका काम हो जाएगा। और आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को करना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।